नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर होने जा रही है गदर 3 की शूटिंग लाइव। दोस्तों सुनकर हैरान हो जाएंगे, पाकिस्तान से भारत आई एक महिला ने गदर वाली फिल्म दोबारा रिलीज़ कर दी। पाकिस्तान से आकर रूपपुरा में अवैध रूप से रहने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर, उसके कथित प्रेमी सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 4 बच्चों की माएँ और इनकी आशिकी जो हुई थी दोस्तों वो पबजी पर हुई थी, ग्रेटर नोएडा आके रहने लगी अपने आशिक सचिन के साथ। पकड़ी गई, किसी ने खबर कर दी NIA को, उसके बाद NIA ने उठा लिया और अब यह औरत वापस नहीं जाना चाहती। पता नहीं ये ISI की साजिश है, पता नहीं यह प्यार में पागल होके आई है। पबजी पर इनकी मुलाकात हुई दोनों की और उसके बाद नेपाल के रास्ते यह महिला पाकिस्तान की रहने वाली नेपाल का वीज़ा लेकर वहाँ से सीधा एंट्री मारकर भारत में आ गई। आकर 4 महीने से बड़े आराम से भारत में रह रही थी, नोएडा में रह रही थी अपने पति के साथ, सचिन के साथ शादी कर ली और 4 बच्चों की माँ है। बच्चों को वापस भेजने की गुहार लगा रही है परंतु खुद वापस नहीं जाना चाहती और भारत सरकार से गुहार लगा रही है कि मुझे भारत की नागरिकता दी जाए। इस पर आपका क्या विचार है? क्या सीमा को भारत की नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? क्या सचिन ने सही किया या गलत किया? क्या यह सिर्फ 2 मुल्कों के बीच की लड़ाई है या प्यार करने वालों की जीत होगी? बने रहिए लेटेस्ट खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।